नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भाजपा को स्पष्ट बहुमत, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ आया सिर्फ तेलंगाना। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 में से 163 सीटों पर किया कब्जा, राजस्थान में 115 और छत्तीसगढ़ की 54 सीटों पर हासिल की जीत। तेलंगाना में कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटों पर हासिल की जीत, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और केसीआर ने सौंपा इस्तीफा। तीन राज्यों में बहुमत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू, अब सीएम पद के दावेदारों पर फोकस कर रही है भाजपा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कर्ज माफी जैसी रेबड़ियों को जनता ने नकारा, भाजपा के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नहीं भेज सके बघेल। राजस्थान में भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के आगे ध्वस्त हुई कांग्रेस, जातिगत समीकरण साधने में फेल रहे अशोक गहलोत। विदेशी मीडिया ने भाजपा की जीत को विपक्ष के लिए बताया झटका, कहा लोकसभा का रास्ता साफ, पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। प्रचंड जीत के बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नड्डा ने माला पहनाकर किया स्वागत। पीएम मोदी बोले, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की हुई जीत, कहा देश का युवा सिर्फ और सिर्फ चाहता है विकास। तीनों राज्यों में चुनाव में आपको नोटा से भी कम मिले वोट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उतारे थे 215 उम्मीदवार। मिजोरम में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी, रुझानों में जेडपीएम को बहुमत, एमएनएफ को नुकसान। हिंदुत्व विकास की पटरी पर ही दौड़ेगी भाजपा की चुनावी एक्सप्रेस, तीन राज्यों में जीत के बाद लोकसभा चुनाव में यही रहेगा मुद्दा। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से हो रही है शुरुआत, विपक्षी दल मिलकर बनाएंगे सरकार को घेरने का प्लान। चक्रवात मिचौंग के चलते आंध्र, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अलर्ट, 144 ट्रेनें की गई रद्द, पीएम मोदी ने सीएम रेड्डी से की बातचीत। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में भी शुरू किया जमीनी अभियान, नागरिकों को खान यूनिस को खाली करने का दिया आदेश। पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों के लिए बंद की तोरखम सीमा, अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का अभियान जारी। पड़ोसी देशों से भारत में 1,00,000 करोड़ के FDI प्रस्ताव, केंद्र सरकार ने दी 50,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी। डबल डेकर भूमिगत मेट्रो स्टेशन में एंट्री के लिए निगम देगा जमीन, दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में दुकानें तोड़कर बनेगा प्रवेश द्वार। मालदीव में सैन्य अड्डा बनाए रखने के लिए बातचीत कर रहा है भारत, विचार करने के लिए कोर ग्रुप स्थापित करने पर सहमत दोनों देश। फिलीपींस में मध्यरात फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.8 रही तीव्रता, नुकसान का हो रहा है आकलन। काशी के 21 वैदिक ब्राह्मण कराएंगे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, 18 जनवरी से विधिवत समारोह के अनुष्ठान की हो जाएगी शुरुआत। लखनऊ समेत मध्य यूपी में आज से बारिश की संभावना, 6 दिसंबर को मिचौंग तूफान की हो सकती है वापसी। घने कोहरे के चलते लखनऊ आने जाने वाली फ्लाइटें प्रभावित, यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों करना पड़ रहा है इंतजार, ट्रेनें भी लेट। जियो सर्वे सेफ्टी ऑडिट के साथ ही इसी माह से होगा निर्माण, सिलक्यारा सुरंग में मलबा हटाने के बाद शुरू हुई तैयारी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे टाउनशिप बसाने का खाका तैयार, किसानों की 2000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का बना प्रस्ताव। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, बोले यदि सीएम ने गलती नहीं की है तो ईडी का करना चाहिए सामना। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को मध्य प्रदेश में लगा झटका, 9 में से 4 सीट पर 100 वोट भी नहीं ला पाई जेडीयू। तीन राज्यों में जीत पर बोले बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा, का तुष्टिकरण की राजनीति को तमाचा, लुटेरों की हुई विदाई। कांग्रेस की बुरी हार पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, का कांग्रेस अकेले भाजपा को नहीं कर सकती है पराजित। तीन राज्यों में भाजपा की जीत से खुश रामदास अठावले, बोले 101% मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम, मिलेगी 350 सीटें। उमर अब्दुल्ला ने तीन राज्यों में कांग्रेस की हार पर जताई निराशा, बोले यही हार रहा तो भविष्य में नहीं जीत पाएगा इंडिया गठबंधन। तीन राज्यों में हार पर गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर आरोप, बोले देश की सबसे पुरानी पार्टी के एजेंडे से बाहर हुए अल्पसंख्यक। विपक्षी दलों की हार पर बोली महबूबा मुफ्ती, धन बल और जांच एजेंसियों का भाजपा ने लिया सहारा। रात 10 बजे अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हरियाणा सीएम, मरीज बोले स्टाफ की कमी से ठीक से नहीं मिल पा रहा इलाज। जालंधर के 3 युवकों को उठा ले गई हिमाचल पुलिस, माता चिंतपूर्णी मंदिर में खालिस्तानी नारे लिखने का है आरोप। हिमाचल सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रम में आएंगे राहुल प्रियंका, सीएम सुक्खू बोले सरकार ने 10 में से 3 गारंटियों को किया पूरा। हिमाचल को इस साल सेब बागवानी में 2500 करोड़ का हुआ घाटा, बारिश, ओलावृष्टि और असमय बर्फबारी से कम हुआ उत्पादन। हिमाचल की 9 नदियों और खड्डों का पानी हुआ प्रदूषित, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला अपशिष्ट बना मुख्य कारण। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में आयोजित होगी इन्वेस्टर्स समिट, सीएम धामी बोले निवेश से प्रदेश में खुलेंगे विकास के नए द्वार।
धामी कैबिनेट की बैठक में आज होंगे कई अहम फैसले। कर्मचारी सेवाओं से संबंधित प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। दिल्ली में 1500 रुपए वापस न करने पर बहनोई की ईंट मार कर ली जान। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ठंड और प्रदूषण से बढ़ रही है हृदय रोगियों की परेशानी। सामान्य व्यक्ति में भी 33% बढ़ी दौरा पड़ने की आशंका। दिल्ली एनसीआर में बारिश से फौरी तौर पर वायु प्रदूषण से राहत। अगले 3 दिनों तक 8 किलोमीटर की गति से चलेंगी हवाएं। मायावती ने 4 राज्यों के नतीजों को बताया अचंभित करने वाला। पार्टी की रणनीति पर मंथन के लिए बीएसपी नेताओं की बुलाई बैठक। चुनाव नतीजों के बाद सनातन पर फिर बोले उदयनिधि मारन, का करुणा निधि का पोता हूँ, नहीं मांगूंगा माफी। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिले 2000 साल पुराने तांबे के सिक्के। विशाल सभ्यता के नष्ट होने के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे इतिहासकार। चुनाव नतीजों से शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। 882 अंकों की उछाल के साथ 68,363 के स्तर पर खुला सेंसेक्स। यूपी के रामपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ ट्रेन हादसा। पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, दिल्ली लखनऊ रूट प्रभावित। T20 के आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 160 रन बनाए। जवाब में 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी ऑस्ट्रेलियाई टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।